प्रेरणा कथा। दुष्ट सन्यासी। एक गांव के पास एक आश्रम में एक सन्यासी रहता था। वो वास्तव में बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, परंतु लोगों के सामने उसने अपनी छवि एक बहुत ही ज्ञानी, पवित्र और विनम्र सन्यासी के रूप में बना रखी थी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसके आश्रम में लोगों के आने का क्रम दिन भर लगा रहता था। लोग सोचते थे कि वह सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान था और वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देता था। उसको लोगों के द्वारा बहुत सा भोजन, कपड़े और नगद दान मिलता था। उसी गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था। वो भी सन्यासी का बहुत सम्मान करता था और प्रायः सन्यासी से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाता रहता था। वो सन्यासी को अपने घर भी बुलाता था और उसको स्वादिष्ट भोजन कराता था और बहुत से उपहार भी देता था। उस अमीर जमींदार के पास बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, मोती और गहने थे। उनकी कीमत करोड़ों रुपए थी। वो हमेशा अपने धन के बारे में ही चिंतित रहता था। उस गांव में समय समय पर चोरियां और डकैतियां होती रहती थी। वो अपने धन को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। क्योंकि उसका सन्यासी पर पूरा विश्वास था, उसने अपने धन को सन्यासी के आश्रम में रखने का निर्णय लिया। वो सोचता था कि सन्यासी को धन संपत्ति से कोई भी लगाव नहीं था, और दूसरी बात, आश्रम को लूटने की बात तो कोई भी नहीं सोच सकता था। एक सुबह उसने अपने गहने, हीरे मोती, सोना चांदी इत्यादि एक बैग में भर लिए और उस बैग को लेकर वो आश्रम में पहुंच गया। उसने सन्यासी से कहा, सन्यासी महाराज, मैं अपने धन के बारे में चिंतित हूँ, कृपया मेरे इस धन को अपने आश्रम में सुरक्षित रखिए। मैं जानता हूँ कि मेरा धन आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। सन्यासी ने आश्रम के आंगन में एक बड़े पेड़ की तरफ संकेत करके कहा, ठीक है, आप अपना यह धन उस पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दीजिए। जमींदार ने उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर अपने बैग को उसमें रखकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। जमींदार ने राहत की सांस ली और सन्यासी को धन्यवाद कहा। जमींदार अपने घर वापस चला गया। सन्यासी बहुत ही खुश था कि उसको बैठे बिठाए इतना अधिक धन मिल गया था। रात के समय उसने वह बैग पेड़ के नीचे से गड्ढे से निकाल लिया और दूसरी जगह पर छुपा दिया। अगली सुबह जमींदार फिर से सन्यासी के आश्रम में आया और बोला, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं कुछ महीने तक गांव में नहीं रहूँगा, मैं जाने से पहले आपको यही बताने के लिए आया हूँ। जमींदार सन्यासी से मिलने के बाद घर वापस आ गया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसके बचपन का मित्र उसके घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों मित्र बैठकर बातें करने लगे। सन्यासी भी सोच रहा था कि उसको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उस पर जमींदार का विश्वास और भी अधिक हो जाए। वो जमींदार के घर पहुंच गया। वो अपने साथ एक रेशम का टुकड़ा लेकर आया था। सन्यासी ने कहा, यह रेशम का टुकड़ा मेरे पास ही छूट गया था, मैंने सोचा कि ये आपका ही होगा, इसलिए मैं ये आपको देने आया हूं। रेशम का टुकड़ा जमींदार को देकर सन्यासी वापस चला गया। जमींदार ने अपने मित्र से कहा, कितने पवित्र और ईमानदार सन्यासी है, एक टुकड़ा रेशम मुझको वापस देने के लिए इतनी दूर तक चलकर आया, इनको तो जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, महान आत्मा है सन्यासी महाराज। जमींदार का बचपन का दोस्त बहुत अधिक पढ़ा लिखा था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसको कुछ शंका होने लगी। उसने सोचा कि शायद वो सन्यासी ठग था। उसने जमींदार से कहा, क्या तुमने अपनी कोई चीज इस सन्यासी के पास रख छोड़ी है? जमींदार ने अपने मित्र को बता दिया कि उसने अपना पूरा धन उसके आश्रम में छुपा कर रखा हुआ है। मित्र ने कहा, जाकर आश्रम में देखो कि तुम्हारा धन अभी भी वहां है कि नहीं। जमींदार ने आश्रम में आकर पेड़ के नीचे खोदा, परंतु उसको गड्ढे में उसका बैग नहीं मिला। वो दौड़कर अपने घर आया और उसने मित्र से कहा, तुमने ठीक कहा था, मेरा धन वहां नहीं था। मित्र और जमींदार दोनों आश्रम की तरफ दौड़ चले। उन्होंने देखा कि सन्यासी उनके बैग को लेकर आश्रम से दूर भाग रहा था। दोनों ने उसको भागकर पकड़ लिया। उन्होंने उसकी अच्छे से पिटाई की और उसको पुलिस के हाथों में दे दिया। मित्रों, हमारे समाज में लाखों ऐसे सन्यासी हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर ठगते रहते हैं। लोग उनको लाखों रुपए देते हैं, पर उनकी भूख शांत नहीं होती। ना जाने लोग ऐसे साधु संतों के पास क्या खोजने जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अज्ञानता और अशिक्षा ही इस सबका मुख्य कारण है। परंतु बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इन साधु संतों के
चक्कर में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं आप भी किसी साधु संन्यासी के चक्कर में ना फंस रहे हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।